नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जो भी हरियाणा के कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके भविष्य से रिलेट है। और आपको पता है कि हरियाणा एलम की भर्ती आई हुई है, एससी की भर्ती आई हुई है, तो उस भर्ती के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है। काफ़ी समय के बाद भर्ती आ रही है, और 2019 के अंदर आपकी भर्ती आई थी, तो 2021-22 के आसपास इसको पूरी करवाया गया था। तो काफ़ी अच्छी भर्ती है, पोस्टों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको बेनिफिट होगा। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपकी तैयारी जो होगी वो परफेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दो किताबों के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एक स्क्रीन पर एक किताब दिखाई दे रही है, हरियाणा HSSC भर्ती परीक्षा 2023। इसके अंदर देखो खास बात क्या है, एक तो इसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी, दूसरे 5,000 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके अंदर जितने भी जो आपको न्यूमेरिकल दिए गए उनका पूरा सोल्यूशन मिलेगा। अब बात आती है कि बुक किताब क्यों क्यों खरीदें। पहली चीज़ तो ध्यान में रखना, आपका जो हरियाणा का सिलेबस अभी जो जारी किया गया उसके हिसाब से इसके अंदर सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब आपको सिलेबस जो होगा वो कंप्लीट मिलेगा। कई बार क्या होता है कि अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिनको पूरा सिलेबस नहीं मिल पाता, और उस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो एक तो ये कमी आपको दूर करेगी, दूसरा ये होगा कि आपको एक टॉपिक का पूरा कंप्लीट डाटा मिलेगा। अगर आप लोग इसका डेमो देखेंगे, और जब डेमो देखेंगे तो आपको हर चीज़ का कंप्लीट डाटा मिलेगा। कंप्लीट डाटा का मतलब ये होगा कि अगर ट्रांसफार्मर का कोई टॉपिक है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो उसके संबंधित 10 बातें हैं, तो 10 की 10 आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब इस किताब को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार किया गया। और दूसरा एक किताब और है जिसका नाम है बिजली, जो एक रिवीजन की किताब है, और उस रिवीजन के अंदर आप लोग काम क्या कर सकते हो कि जब आपकी परीक्षा डेट घोषित हो जाएगी और आपके पास 4 से 5 दिन होंगे, तो उस समय आपको रिवीजन करना होगा, तो उस कंडीशन के अंदर ये किताब काम आएगी। अब मैं इसका डेमो दिखाता हूँ आपको। पहली चीज़ तो देखिए कि इसके अंदर जो है वो टोटल टॉपिकों की संख्या देखो सभी मिल जाएंगे आपको। सिंगल फेज, 3 फेज, वायर केबल, इंसुलेशन, अर्थिंग, सेफ्टी वायर, प्रदीप्ति, हिटिंग, बेल्डिंग, इंस्ट्रूमेंट, धारा, डीसी कर, मोटर जनरेटर, ट्रांसफार्मर, A to Z तक डाटा मिलेगा। टोटल 51 टॉपिक है, और 51 टॉपिक के साथ साथ ध्यान में रखना आपको 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, जो आपके पुरानी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब देखो इसके अंदर आपका जो ब्रीफ स्टडीज़ का पहला टॉपिक है, जिसके अंदर आपको फुल फॉर्मेज होगी वो सारी एक साथ मिल जाएगी। यहाँ देखिए किताब का प्राइस जो है वो 390 रुपये डिलीवरी चार्ज के सहित, और ये जो प्राइस रहेगा ये संडे तक रहेगा, उसके बाद इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद में देखिए इक्वलेंट यूनिट है। देखिए कई बार आपने पूछा होगा कि 1 टन के अंदर कितना किलोवाट होगा, DMRC के अंदर ये पूछा गया था। इसी तरीके से ESU पूछा गया था कि कितने गुलाम होंगे। आपने एम्पियर घंटा भी देखा होगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। तो आपको यहाँ जो शुरू के जो 5 पेज हैं, यहाँ से मान के चलिए आपके 5 से 7 सवाल सही हो जाएंगे। जैसे आपको पूछ लिया कि अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होगी, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होगी, तो सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया कि ट्रांसफार्मर क्या चेंज करेगा, डीसी मोटर क्या चेंज करेगा, इसके अलावा देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंसुलेशन की मोटाई किस बात पर डिपेंड करती है, विद्युतीय डिग्री किस बात पर डिपेंड करेगी, RMS मान किस बात पर डिपेंड करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी है जो शुरू के अंदर आपको मिल जाएगी। पावर फैक्टर किसका क्या होगा, प्रतिरोध किसका क्या होगा, और ये अभी आपका अभी चंडीगढ़ परीक्षा हुई थी उसके अंदर आया था कि आदर्श वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध क्या होगा। तो ये शुरू के जो 5 से 7 पेज हैं, यहीं से आपके 5-7 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो ये फार्मूले जो इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको यहाँ सारे दिखाई दे देंगे। फिर देखो धारा वोल्टेज कौन सी चीज़ क्या मेजरमेंट करती है, अभी ये भी हाल ही की परीक्षा में आया था कि अर्थ टेस्टर जो होता है वो काम क्या करते हैं, और इसके अलावा ध्यान में रखना इंसुलेशन टेस्टर जो होता है वो मेगर को कहा जाता है। तो ये भी शुरू के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखो सेमीकंडक्टर डिवाइस SCR डायरेक्ट ट्रैक क्या होता है, इसके अलावा CCPC के बारे में आपको यहाँ पूरा डिटेल मिला। इसके बाद देखिए ये सिंबल आ गए, और सिंबल की जो खास बात क्या है, सिंबल के अंदर जैसे इलेक्ट्रिकल के सिंबल आ गए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के आ गए, आपको डिवाइडेशन मिलेगा इसके अंदर। तो काफ़ी शानदार कंटेंट है, और जिन्होंने भी किताब को ख़रीदा है उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। देखो ये जो वायरिंग से संबंधित रूल्स है वो सारे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, स्टार्टर के सिंबल सारे एक साथ मिलेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मिलेंगे, मशीन के सारे एक साथ देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो सिंबल होंगे वो सारे एक साथ देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी है अच्छा कंटेंट, और उसके बाद में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद में देखिए, और मैं आपको एक चीज़ का डेमो, देखो ये सेफ्टी से संबंधित क्वेश्चन है, टॉपिक है, और इसके अंदर देखिए अभी आपके एक परीक्षा हुई थी जिसके अंदर CPR का पूछा गया था, तो CPR का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। इसी तरीके से जो अग्निशामक यंत्र उपयोग करने की विधि आपसे पूछी गई थी, एबीसी आपका डीएमआरसी के अंदर पूछा गया था, 5E आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही होगा, तो सारा डाटा आपको एक ही किताब के अंदर मिल जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन देख लीजिए, और जो क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा गया था वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अलग अलग परीक्षाओं के अंदर, जैसे ये आपको इलेक्ट्रिशियन आईटीआई में पूछा गया था, ये भी आपसे पूछा गया था, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में देखिए 50 क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का देख लीजिए। ट्रांसफार्मर के अंदर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे आपको ट्रांसफार्मर की कोर दे दी, तो ट्रांसफार्मर की कोर लेमिनेटेड की बनी हो, लेमिनेटेड होती है, पत्तियों की मोटाई ये होती है, क्यों होती है, लेमिनेशन क्यों करेंगे, मोटाई कम क्यों करेंगे, अधिक फ्लक्स स्थानांतरण करने के लिए कोर का प्रतिष्ठम कम होना चाहिए, हमिंग किस में होती है, तो सारा आपको डाटा एक साथ मिलेगा। फिर कोर काम क्या करती है ये आपको दे दिया। अब वाइंडिंग आ गई, देखो जब वाइंडिंग पढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आपको दे दिया। इसके अलावा देखो ट्रांसफार्मर की कोर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, वाइंडिंग अगर जलेगी तो उसका कारण क्या होगा, ओवरलोड होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। वाइंडिंग कितने प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई वोल्टेज, फिर आपकी आएगी लो वोल्टेज, तो सारा आपको डिटेल मिलेगा। तो एक टॉपिक की पूरी डिटेल मिलेगी। देखो ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में सारा है, ट्रांसफार्मर ऑयल के गुण क्या होंगे, ट्रांसफार्मर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ऑयल का रंग कैसा होगा, उसका काम क्या होगा। तो इसी तरीके से भूगोल जिले देख लीजिए, डायग्राम के साथ आपको मिलेगी, अलार्म सर्किट हो गया, ट्रिपिंग सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत देख लीजिए, सारा देखो समीकरणों में देख लीजिए आप लोग। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है और अभी तक तो रिस्पांस अच्छा ही आया है किताब के बारे में। ठीक है, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होता है कि एक वाइंडिंग होती है, इसके अंदर इसका सिद्धांत आपको दे दिया, प्रकार आपको यहाँ से दे दिए। उसके बाद में देखो इसके फायदे क्या होंगे ये आपको दिखा दिए यहाँ पर। फायदे के बाद में अगर ऑटो ट्रांसफार्मर को अगर चेंज करते हो, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में जब चेंज करेंगे तो उसकी रेटिंग क्या होगी, शक्ति का ट्रांसफार्मर विद्युत रूप से कैसे होगा, चुंबकीय रूप से क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर की हानियां क्या होगी, ऑटो ट्रांसफार्मर के यूज क्या होंगे, तो सारा आपको एक साथ ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर आए क्वेश्चन देखो, ये ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन स्टार्ट है, कौन सा एक क्वेश्चन किस एग्ज़ाम के अंदर आया वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, डीएमआरसी जेई। इसके अंदर ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन देख लीजिए, ट्रांसफार्मर के क्वेश्चनों की संख्या 240, उसके बाद में आपको आंसर की प्रोवाइड करवाई गई है। तो काफ़ी शानदार कंटेंट है और पीछे इसके 10 मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद में देखिए जो बिजली वनडे सीरीज है, जब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा और आपके पास 5 से 7 दिन होंगे, तो उस समय आपको क्या करना होगा, तो आपको रिवीजन करना होगा, तो उस रिवीजन को किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए बुक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बिजली आपको बुक दिखाई दे रही होगी, बिजली वनडे सीरीज। वनडे सीरीज का मतलब हो गया कि आपको एक दिन में काम करना है, यानी कि एक दिन में पूरा रिवीजन करना है बुक का। इसके अंदर देखो टॉपिकों की संख्या देखो, सबसे पहले देखो सूत्र आपको सारे मिल जाएंगे, फुल फॉर्म मिल जाएंगे, प्रतीक मिल जाएंगे, समतुल्य मात्रक मिल जाएगा। प्रतीक का मतलब सिंबल है, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। विद्युत राशियाँ, क्षमता किसकी क्या लेंगे, मिश्र धातु पदार्थ, निर्भरता, मापक उपयंत्र हो गया, टेम्परेचर वाली टेबल आ गई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाली टेबल आ गई, परमाणु वाली टेबल आ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, और 10 के घातों के प्रतीक आगे, अग्निशामक यंत्र आगे, सेफ्टी संकेत आगे, ठीक है, सावधानी संकेत आगे, और रेजिस्टेंस के कलर कोड, प्रास, प्रतिरोध, सहनशीलता, तो सारी टेबल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ से अगर मैं टोटल इसके सिलेबस क्वेश्चन टॉपिकों के बारे में बात करूँ, तो टोटल जो इसके टॉपिक्स होंगे वो 102 टॉपिक हैं। 101 नंबर टॉपिक के अंदर आपको स्पेशल फार्मूलेज मिलेंगे जो आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगे। अब देख लीजिए, अगर चुंबकीय मैग्नेटिक मटेरियल है, आपने पूरी तैयारी कर रखी है, अब आपको रिवीजन करना है, तो आपको मैग्नेट के 1, 2 यहाँ सारा आपको दे रखा है, परमियंस क्या होगा, रिलेक्टिविटी क्या होगा, फिर ऐसी थ्योरी के अंदर आपके जितने भी वेव्स आएंगी वो सारे आपको RMS मान, एवरेज मान, सारा कुछ दिया, फॉर्म फैक्टर, पी फैक्टर, हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होगा। इसके बाद में RLC सर्किट देख लीजिए, RLC सर्किट का आपको सारा कंप्लीट डाटा मिलेगा। इसके बाद में देखो रेजोनेंस का आपको कंप्लीट डाटा मिलेगा। इसके बाद में देखो कि 3 फेज जो है उसकी समीकरणें कैसे बनेंगी, स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे होगा, वो सारा आपको दे दिया। इसके बाद में 2 वाटमीटर विधि के मेथड दे दिया आपको, प्रकाशीय सर्किट दे दिया। उसके बाद में वायरिंग देख लीजिए, कौन सी वायरिंग में कितने लैंप लगेंगे वो सारा आपको यहाँ देखेंगे, 1 में कितना होगा, 2 वे स्विच कितना होगा। इसके अलावा जो अरेख होंगे, अलग अलग डायग्राम होंगे, लेआउट डायग्राम हो गया, सर्किट हो गया, इसका सिंबल दे दिया, इसका काम क्या होता है, ये सारा आपको दे दिया। तो काफ़ी शानदार कंटेंट है
और बिजली का रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है, इंस्टॉलेशन हो गया आपका, वायरिंग डायग्राम हो गया, फर्श से ऊंचाई, केबल के कोड, और फिर आपको देखो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है 1956 जितने भी आपको दे रखे हैं। फिर आपको देखो ये वन लाइनर आपको दिखाए रखा है थ्री फेज का, यहाँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के आपको दिखाए गए, तो काफ़ी शानदार कंटेंट है और आप लोग एक दिन में रिवीजन कर सकते हो। ये दो किताबें मैं आपको सजेशन दूंगा। आपको जो हरियाणा वाली मिलेगी वो 390 की मिलेगी और जो बिजली जो वनडे सीरीज है वो 160 की मिलेगी। ये ऑफ़र ओनली आपको संडे तक मिलने वाला है। आप बुक जो परचेज कर सकते हो वो जो आपको थंबनेल है वहाँ एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 8619 76 82। तो या तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग काम क्या कर सकते हो उसको ले सकते हो। दूसरा जो तरीका होगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से भी आप लोग बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।